बोला भाई 5 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, 7 रुपया, हाथ खोल के खड़ा हो, 4 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया। तो भाई साहब देखो मैं पहुंच गया तखतपुर सब्जी मंडी और आने के बाद सीधा ये खरीदा, ये भाई चकुंदर बीड बोलते हैं, ये चकुंदर वाले, चकुंदर वाले खत्म खत्म खत्म। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? वापस से सभी का स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग में। तो भाई साहब आज है वेडनेसडे बुधवार और आज नंगोई का मार्केट है। किसका फोन बज रहा है यार? पता नहीं सिस्टर का होगा। और देख सकते हैं कल का जो वेजिटेबल्स मेरा बचा हुआ है ना, टमाटर आलू बैगन, उसको नहीं गया यार बेचने क्योंकि दो ही आइटम था, तो इसको क्या लेके बेचने जाता, शाम को चलूंगा करके। तो अभी मैं फिर से जा रहा सब्जी मंडी तखतपुर सब्जी लाने के लिए। देख सकते हो गाड़ी मेरा रेडी है और इधर देख सकते हो भाई नाना जी भी जा रहे हैं अपने काम खेतों की तरफ, घूमने जाते हैं और घास वगैरह लेके आते हैं, भाई बहुत मेहनत करते हैं। और मैं निकल रहा सब्जी मंडी सब्जी लाने के लिए। यार क्या लूँ आजकल मार्केट में समझ ही नहीं आता है, इतना ज़्यादा डाउन चल रहा है मार्केट। इसी आस में जाते हैं कि आज नहीं तो कल अच्छा चलेगा करके, देखते हैं कैसा रहता है। तो चलो फिलहाल निकलते हैं सब्जी मंडी तखतपुर। ₹11 जल्दी बोला लेना, जल्दी बोला भाई, बोला भाई 5 रुपया, 5 रुपया, 4 रुपया, 7 रुपया, हाथ खोल के खड़ा हो, 4 रुपया, 7 रुपया, 8 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 रुपया। लिख भाई मोनू खबरी 24 किलो बढ़ा भैया। तो भाई साहब देखो मैं पहुंच गया तखतपुर सब्जी मंडी और आने के बाद सीधा ये खरीदा, ये भाई चकुंदर बीड बोलते हैं। देखो अभी भी बोली हो रहा है भाई मूली का, बढ़िया है भाई, हाँ कट गया, 8 रुपए कटी से नहीं है बेचा गया। तो चलो इसको ले जाके रख दे रहे भाई इधर। तो भाई साहब मैंने सहजन को वहाँ रख दिया, फिर इधर किसान मार्केट तरफ जा रहा था। तो पीछे देखो यहाँ यस भाई लोग के कमीशन में हो रहा है भाई सब्जियों का बोली। 12-13 क्या क्या कट रहे हैं? 12-13 रुपए बिक रहा है। क्या चीज़ है? प्याज पत्ती कट रहा है 12-13। इधर अभी चलते भाई किसान मार्केट तरफ क्या रेट कट रहा है। और इधर देखो अपने आनंद भाई आए हुए है। चलो भैया, बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हो? ठीक है, मजे में। मजे में क्या लेके आया थे आज यार? मूंगा लेके आया था। कितने में दिए यार? 40 रुपए किलो पड़ गए। 40 रुपए किलो में बेचे? हाँ। गजब, मैं तो 20 में लिया भाई, तगड़ा। आप देसी वाला लाए थे ना? और मैं जो है हाइब्रिड वाला मूंगा खरीदा भाई, क्या बोलते हैं उसको यार, सैगोन मूंगा सहजन। और ये देखो इधर से अपना किसान मार्केट फिर से आ गया भाई, बैगन है, फूल गोभी है, सेमी है, बहुत सारा आइटम है भाई साहब। देखो लाल भाज जाए बढ़िया क्वालिटी में यार, जूरी काफी बड़ा बड़ा है। कितने रुपए से? 150 दिया। 150 कम लगाओ ना यार, बता ना 100 का लगा लो ना भाई, कम हो जाएगा, लगा लो यार 120 करना भाई, जल्दी 110 10 का 5-6-7 जैसे पड़ जाता है यार, नहीं बताते भाई, बहुत मेहनत लगता है। गोभी का कर बेचा लेगा आएगा तो भाई साहब 100 रुपए में दे दिया भाई ने। देखो भाजी को, चलो भाई भाजी को लेके चलते हैं वहाँ जहाँ पास सहजन और चकुंदर घर के वहाँ। चलो भैया 100 रुपए ने चलते चलो चलो आने देखो मैं इधर आया कमीशन तरफ, तो आलू का बोली हो रहा है भाई 5-6 रुपए किलो आलू। ये देखो मैं भी खरीदा भाई, 7 रुपए में खरीदा, मैंने पहले ही खरीद लिया, देख सकते हो आलू का क्वालिटी ठीक है यार, 6 रुपए में बढ़िया है। नहीं आनंद भैया कैसा है 6 रुपए में आलू? तगड़ा है ना, 6 रुपए में और क्या मिलेगा, 7 का है यार मेरा भाई, 10-12 रुपए किलो जा रहा है, 7 में बिकेगा मेरा, मतलब 7 में खरीदा हूँ मैं। ये देख अभी भी दिख रहा है ऐसा ही है, लगता है देखते हैं अब घर में ले जाके भाई कैसा दिखलेगा आलू। पूरा सामान खरीद लिया है और खरीद के गाड़ी भी पैक कर लिया ये भाई लोग की सहायता से, धन्यवाद आनंद भैया, नानू भाई धन्यवाद। तो चलो गाइस निकलते हैं यार यहाँ से घर,
तो गाइस फाइनली मार्केट से घर पहुंच गया सब्जी लेके, और गाड़ी से देखो उतार के रख दिया यहाँ पास कुछ कुछ को, और बाकी जो भाजी पाला लेके आया हूँ ना, धनिया मिर्ची अदरक लाल भाजी वगैरह, उसको यहाँ रख दिया है। और ये कैरेट्स में जो है कल का बचा हुआ आइटम है भाई अपना। आज मैंने भाई सब स्पेशली बीट रूट लेके आया, जिसको हम लोग बोलते हैं चकुंदर। अब देखते हैं कि अपन मार्केट में कैसा सेलिंग होता है भाई। उसको मैंने कितने रुपए में खरीदा है, 8 रुपए पर केजी में खरीदा हुआ है, बहुत सारा है, तो फर्स्ट टाइम खरीदा है भाई, पता नहीं कैसा रहता है, देखेंगे सेल करके विलेज मार्केट विलेज के लोग खाते हैं कि नहीं। मज़ा आएगा भाई, आज का ब्लॉग को देखना ज़रूर, अच्छा रहेगा। तो अभी चलो हाथ पैर धो ले रहा हूँ, फिर खाना वगैरह खाते हैं और रेस्ट करते, फिर मिलता हूँ आप लोग से सीधा मार्केट जाने का टाइम 3-4 बजे। तो भाई साहब अभी बज गए हैं शाम के 3:30, अपना मार्केट जाने का टाइम हो गया है, और जस्ट अभी भी मैंने गाड़ी को अपना लोड किया है यार, देख सकते हो सामने पूरा लोडिंग है। तो अभी निकलने वाला हूँ मार्केट, और ये देख सकते हो मेरा ट्राइपॉड। और गाइज यार आज ना मैं टोटल मिला के 1100 का वेजिटेबल्स लेके आया हूँ, और कल का 100 रुपये मेरा लॉस में बचे हुए वो भी सामान इसमें जोड़ लेते, तो 1200 रुपये का ही इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो देखते हैं भाई कि आज अपना जो 1200 का इन्वेस्टमेंट है वो कितने का रिटर्न दे पाता है। और आज स्पेशल आइटम भी लेके आए हैं अपन, क्या बोलते हैं चकुंदर, तो वो सेल होता है कि नहीं। तो चलो भाई ट्राईपोर्ट को यहाँ घुसाते हैं पहले, ये देखो। तो चलो निकलते हैं यार मार्केट, और देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहता है भाई, आशा कर दे कि अच्छा रहे यार। गाइस फाइनली पहुँच चुके मार्केट, अब चलो खाली करते हैं यार, सामान को उतारते हैं। भाई सब ये आ गया अपना चुकंदर, बीट रूट डालते हैं इसको यहाँ साइड पे, एक मिनट। ये देखो भाई साहब, देखते हैं कितना में सेल होता है भाई अपना चकुंदर जो है, जर जर काफी दिख रहा है, रूट रूट रूट, अच्छा अच्छा ऊपर में रखते हैं भाई साहब। अभी बज रहे हैं शाम के 5, और फाइनली पूरा लगभग सभी लोगों ने अपना अपना दुकान लगा लिया भाई। ये देख सकते हो आज का मार्केट, काफ़ी ज़्यादा सब्जियां दिख रहा है भाई, देखो बहुत सारा ग्रीन वेजिटेबल्स आए हैं आज मार्केट में, सभी तरफ पूरा हरा हरा सामान। और मैं भाई साहब क्या क्या लेके आया हूँ आज, तो ये देखो आलू लेके आया हूँ, मुनगा है, सहजन, टमाटर, और ये है भाई साहब अपना, ये इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं बीट रूट चकुंदर बेचने के लिए, जो कि है लगभग 15 किलो के आसपास, और मार्केट में कितनी जगह आया है उसको देखते हैं ये, और कितना रेट में बेच रहे हैं भाई। तो अभी तो मार्केट में बाकी जगह नहीं दिख रहा है चकुंदर जो है, एक ही जगह इनके पास दिख रहा है बगल में चाचा जी के पास। तो चलो पूछते हैं क्या रेट बेच रहे भाई ये चकुंदर को, ये देखो काफ़ी अच्छे क्वालिटी में है यार इनके पास चकुंदर, ये भी लाए हैं चाचा। ये कितना किलो देता है सिला चकुंदर, कितने रुपए किलो? 15 रुपए किलो भाजी सही, मस्त क्वालिटी है भाई साहब, देखो ताजा है अभी, घर का है ना आपका, ये जो है घर से खन के लाया भाई अभी। और मैं जो खरीद के लेके आया हूँ मार्केट से, देखो इसका साइज देख सकते हो क्वालिटी, और फिर मैं जो लेके आया हूँ वो काफी बड़ा बड़ा है, थोड़ा सा डाउन है इसका क्वालिटी जो है, ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा, और इस प्रकार से इसको ना कुछ कुछ खा गया भाई, पता नहीं देखते हैं सेल होता है कि नहीं, वैसे हो जाना चाहिए, क्या लगता है 15 वो बेच रहे हैं तो 15 मेरे को भी बेचना चाहिए, 15-20 देखते हैं अब क्या रेट में बिकता है भाई सब। तो चलो बैठ जा रहा हूँ यार, पूरा मार्केट घूम के आ गया लगभग लगभग मार्केट भाई। आलू चल रहा है 15 रुपये 10 रुपये, मुनगा तो 10 ही रुपये चल रहा है, काफ़ी छोटा छोटा जूरी है, मैं जो है थोड़ा सा ज़्यादा बांध दिया हूँ मुनगा को, कोई नहीं देखते हैं। और टमाटर 10 बिक रहा है 20-2.5 किलो, और ये जो चकुंदर है ना ये एक जगह ही आया है यहाँ बगल में चाचा जी के पास, जो 15 बेच रहे हैं तो अपन उतना ही बेचते हैं। और लाल भाजी, हाँ चाचा मुनगा दस रुपये मुनगा ले जाए, एक नंबर मुनगा जा, मात्र 10। चुकंदर भाई 20 रुपए किलो, तोर पर 15 लगी। टमाटर 10 भाई 10। भाई साहब पानी बोनी हो गई भाई, अरे सब अच्छा है, दिखा देते मत जा, खराब नहीं होगा, खराब हवा नहीं।
15 में दे दिए भाई साहब को। चकुंदर वाले, चकुंदर वाले ₹15 किलो चकुंदर। हाँ चकुंदर, चकुंदर आ गया, आगे आगे 15 हो गए 20 वाले। हाँ भाई काले में छोटे बता, टमाटर लेकर 10 रुपए किलो, एक नंबर लोकल जूस। लाल भाजी 10 के 5 देता, 6 रख ले भाई, एक नंबर जूरी है। 3, 2, 5 और 6, 10 का 6। ए भाजी वाले, भाजी वाले चकुंदर थोड़ी देता भाई साहब, चकुंदर को 10 बेचना पड़ रहा है भाई, 20 में नहीं ले रहे। 10 हो गए भैया चकुंदर, 10 हो गए। खत्म। इधर 10 रुपए किलो चकुंदर, 10 हो गया। 20 वाला माल 10 में, खावा पिया खत्म करा। आलू भी 10 हो गया भाई, चुकंदर भी 10, टमाटर भी 10, पूरा 10 कर दिया सबको। मुनगा भी 10, हर एक आइटम 10 में लो, पूरा 10 में लो, हर एक आइटम 10, हर एक आइटम 10। भाटा गोभी, आलू, बरबट्टी, चुरचुटिया, रमकेरिया सब 10। 10 हो गया, चुकंदर 10, 20 वाले 10, हर एक आइटम 10 में लो। बज रहे हैं 7:30 और फाइनली मैंने पूरा सामान उठा लिया है अपना, ये देख सकते हो, उठा के गाड़ी पे पैक भी कर लिया है। और मार्केट का हाल अभी देख सकते हो, भाई लोग उठा रहे हैं अपना सामान। चलो भाई साहब अब निकलते हैं यहाँ से घर। भाई मेरे गाड़ी का लाइट पूरा फुल हो गया, हर दिख नहीं रहा है, वाइल टॉर्च से जाना पड़ रहा है, तो क्या हो गया लाइट चल ही नहीं रहा भाई, दिखाना पड़ेगा इसको डॉक्टर के पास। फाइनली पहुंच चुके मार्केट से घर, और ना अभी मेरे पास सिर्फ जो सहजन है मुंगा वो बच गया और चुकंदर बच गया है भाई। वो चाचा जी का भी चुकंदर बच गया था, और वो भी 10 में सेल किए, घर का था उनका, तो मैं भी 10 में सेल किया, लेकिन मेरा सेल नहीं हुआ, उनका सेल हो गया, उनका क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रेश था, इसलिए कोई नहीं। अब इतना सारा जो चुकंदर बचा है ना उसको घर में खाएंगे यार, सब लोग मिलके, बहुत बड़ी फैमिली है अपनी, सभी लोग खाएंगे। अभी चलो फिलहाल जो सब ये कैरेट्स हैं इसको घर के अंदर लेके चलते हैं, उतार ले रहे हैं नीचे भाई साहब। तो गाइस फाइनली खाना वगैरह सब कंप्लीट हो गया, खाना खा के जस्ट अभी आया मैं अपने रूम के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा मच्छर हो गया भाई, इसलिए मच्छर भगाने वाला अगरबत्ती देखो जला के रखा है मैंने। और गाइस मार्केट की बात करना तो मार्केट मतलब हालांकि डाउन था, लेकिन उतना भी डाउन नहीं था। जो अपना टमाटर है वो बढ़िया से सेल हुआ, लाल भाजी भी सेल हो गया, आलू को 10 रुपये बेचा तब जाके बिका, जो कि 7 रुपये का आलू मेरा खरीदी था, तो कोई नहीं चलो 10 में बिक गया तो बहुत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वालिटी डाउन था उसका। सिर्फ चकुंदर बस जो है वो नहीं बिक पाया भाई, तो इसीलिए थोड़ा सा लॉस हो गया मेरे को। लेकिन भाई साहब मैं जो 1200 का वेजिटेबल्स जो था ना, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट अपन कैलकुलेट किए थे, तो उसको 1500 रुपये का सेल कर लिया है, लगभग 1500 हो गया, 1510-20 ऐसा है। और जो चुकंदर बच गया और जो सहजन है ना वो है और प्रॉफिट, वो अगर सेल हो जाता तो और मिलता, लेकिन वो अब कल ही सेल हो गया और ज़्यादा प्रॉफिट होता मेरे को, लेकिन बहुत ज़्यादा लो मार्जिन में सेल किया ना इसलिए कम हुआ। और 300 रुपये भी इसलिए हुआ क्योंकि जो टमाटर था वो 2 कैरेट कल का बचा वाला टमाटर था भाई, इसलिए प्रॉफिट हो गया 300 रुपये का, जो कि मतलब सफिशेंट है यार मेरे लिए, क्योंकि 300 रुपये इधर से आ गया और 300 रुपये आप लोग तो समझ ही रहे हो कहाँ से आ जाते हैं, ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाते। और यही था गाइस आज के ब्लॉग में, आज का अपना दिनचर्या। तो गाइस इसी के साथ आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं, और मैं ऐसा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगेगा, कैसा लगा उसको कमेंट जरूर करना, चैनल पर चैनल सब्सक्राइब करें, मिलते फिर एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, बाय बाय। कार्ड भैया बोला।